हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग अपना स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं, और रुका हुआ पैसा जो पेंशन का है, जो रुका हुआ पेंशन का पैसा है वो पड़ चुका है कल की डेट में 3,000 रुपये। आप लोगों को हम लाइव दिखाने वाले हैं जी दोस्तों। तो कैसे चेक करना है ये आज हम पूरी जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सिर्फ दोस्तों आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, अन्यथा जो मैं जानकारी आप लोगों को देखने वाला बताने वाला हूं तो वो जानकारी आप लोग नहीं जान मतलब कर पाएंगे जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लाभार्थियों को लाभ मिल पाए और पता चल पाए कि हमारा जो रुका हुआ पेंशन का पैसा है वो पेंडिंग पड़ा या नहीं पड़ा, वो कब आएगा, ये है आज हम A to Z जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं जी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं जो पेंशन का पैसा है जिसका रिजेक्ट हो गया था उसके बाद में कल की डेट में पेंशन का पैसा फिर से पड़ा हुआ है जी दोस्तों। तो उसको चेक करना है दोस्तों, जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पे टाइप कर लेना है PFMS, उसके बाद में कर देना सर्च। जैसे ही आप लोग उसको सर्च करेंगे उसके बाद जब इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है PFMS.NIC.IN, ये वाला ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे फिर इसको जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक DVT डिटेल्स वाला ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कैटेगरी में ध्यान से देखना है, यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम वाला ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेमेंट पर टिक कर देना है और यहाँ पर इंटर एप्लीकेशन ID, यानी आप दोस्तों जब अपना ऑनलाइन करवाए होंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को मिला होगा वो वाला यहाँ पर इंटर करना है। और उसके बाद में इसको यहाँ पर कैप्चर कोड इंटर कर देना है और फिर सर्च करना है, कैप्चर कोड यहाँ पर इंटर करना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से ना दोस्तों सर्च कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कुछ देख पाएंगे, एप्लीकेशन ID, बेनिफिशरी नेम, आधार नंबर और अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पर जितना कैंसिल हुआ था ये देख सकते हैं। उसके बाद में ये दूसरा पेमेंट कैंसिल हुआ है 9,000 रुपये का, और एक पेमेंट ये देख सकते हैं जो 3,000 रुपये का पेमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं कल की डेट 12 फरवरी में इनका पेंडिंग अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइल स्टेटस पेंडिंग है PFMS और क्रेडिट स्टेटस पेंडिंग है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि रुका हुआ पैसा कैंसिल हुआ पैसा यहाँ पर देख पाएंगे, और उसके बाद में 9,000 आया था और उसके 12 जनवरी को आया था दोस्तों, उसके बाद में यहाँ 12 फरवरी को फिर से 3,000 रुपये पेंडिंग हो चुका है दोस्तों। ऐसे आप लोग अपने मोबाइल से जानकारी ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना बार हमारा पैसा रिजेक्ट हुआ और कितना पड़ा, कितना सक्सेस हुआ और कितना पेंडिंग है, कल की डेट में कितना पैसा हमारा जो यूपी पेंशन का है तो दोस्तों कितना हमारा पैसा पड़ा हम लोगों के खाते में आने वाला है। ऐसे दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से जी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ में।